सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय कॉफ सिल्स किल्स 99.9% जर्म्स। आम खराश की गोलियां बैक्टीरिया और वायरस को नहीं मारती, लेकिन कॉफ सिल्स गले के 99.9% जर्म्स को मारता है। कॉफ सिल्स। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं सेहत ललन डॉग का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। ये है हमारा विंटर स्पेशल एपिसोड इन एसोसिएशन विद कॉफसिल्स, जो हमारे 99.9% जर्म्स। पहला सेगमेंट है हालचाल, आज बात करेंगे ठंड में होने वाले फ्लू से कैसे बचें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या वाकई आपके शरीर में इतनी गर्मी है कि वो पानी तक उबाल सकता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, क्या फ्रोजन फूड खाना हेल्दी है। सेहत पर हाल फिलहाल में हमने बात की थी ठंड में होने वाले सर्दी जुकाम के बारे में। डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि ठंड के मौसम में हमें कॉमन कोल्ड ज्यादा क्यों होता है, पर इस मौसम में सिर्फ कॉमन कोल्ड ही नहीं, फ्लू भी है। इस कोरोना काल में जरूरी है कि आप जितना हो सके फ्लू वगैरह से बचकर ही रहें। देखिए, सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि फ्लू एग्जैक्टली होता क्या है और ये कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम से कैसे अलग है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फ्लू किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर फ्लू सर्दियों में ज़्यादा होता है। फ्लू हो जाने के बाद मरीज में कई तरह के लक्षण आते हैं, जिसमें मुख्य लक्षण है जैसे कि नाक जाम होना, गले में दर्द होना, गले में खराश पैदा होना, साथ में तेज बुखार आना। इसमें मरीज को बदन में दर्द होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट को कफ होता है साथ में इस, और कई बार ये देखा गया है कि कई मरीजों में यह एक गंभीर रूप भी ले लेता है, जिसमें मरीज को निमोनिया हो जाता है, मरीज को सांस भी फूलने लगती है। कॉमन कोल्ड और फ्लू दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन कुछ लक्षण है जो फ्लू में ज़्यादा आते हैं जबकि कोल्ड में वो या तो होते नहीं हैं या बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि फीवर कोल्ड में या तो एब्सेंट रहेगा और माइल्ड रहेगा, जबकि फ्लू में बुखार आपको हाई ग्रेड आएगा। बदन दर्द, खांसी, सीने में तकलीफ, सांस फूलना, ये ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन फ्लू में आती है, जबकि कॉमन कोल्ड में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। मरीज को कमजोरी भी ज़्यादा होती है फ्लू के अंदर, जबकि कॉमन कोल्ड में इतनी कमजोरी नहीं आती है। उसके अलावा मरीज को वायरल निमोनिया होने का रिस्क या फिर तबीयत बिगड़ने का रिस्क जो होता है वो फ्लू में होता है, कॉमन कोल्ड में इतना ऐसा अक्सर नहीं होता है। इसके अलावा फ्लू के लिए वैक्सीन आती है, जबकि कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। समझ लिया ना दोनों के बीच का फर्क। देखिए, फर्क जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे आपको खुद को बचाना किस चीज से है और कैसे। आप जानिए बचाव की कुछ टिप्स और फ्लू का इलाज। फ्लू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि एक मरीज से दूसरे मरीज में छींकने खांसने के द्वारा जो ड्रॉपलेट पैदा होते हैं उसको अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे यह बीमारी दूसरे मरीज को हो सकती है। या जो संक्रमित मरीज है अगर वो अपने ड्रॉपलेट्स या छींकने खांसने बाद या उसके नाक के जो सिक्रीशन हैं वो जगह जगह अगर लगते हैं और उसके बाद कोई उसे टच करता है और फिर अपने नाक और मुँह के आसपास हाथ लगाता है तो उसके द्वारा भी उसको दूसरे मरीज को यह इन्फेक्शन हो सकता है। फ्लू से बचने के लिए आप हाथ बार बार धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ वाले एरियाज में जाने से बचें, फेस को कवर रखें, छींकने खांसने से पहले आप अपने फेस पर रुमाल रख लें। उसके अलावा जैसे घर में अगर आप ब्लैंकेट रजाई यूज करते हैं तो कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक रजाई का यूज ना करें या ब्लैंकेट का, जिससे अगर एक को बीमारी होगी तो बाकी सबको भी हो जाएगी, तो उससे हम बच सकते हैं। घर में वेंटिलेशन अच्छा रखें, साथ में अच्छी इम्यूनिटी रखने के लिए अच्छा खाना पीना खाएं। इसका इलाज ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मरीज को जिस तरह से लक्षण आते हैं मरीज को उसी हिसाब से दवाई दी जाती है। मरीज को बुखार है, बदन दर्द है तो बुखार बदन दर्द की दवाई ले सकते हैं, गले में खराश है तो उसकी मेडिसिन है वो आती है, एंटी हिस्टामिनिक्स मेडिसिन है वो ले सकते हैं। उसके अलावा मरीज को नाक में कंजेशन, नाक बहना, ये सब हो सकता है, उस केस में मरीज को नेजल ड्रॉप, नेजल स्प्रे दिए जाते हैं।
मरीज को कफ आता है तो कफ सिरप इसमें यूज किए जा सकते हैं। साथ में मरीज को एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी दी जाती है डॉक्टर की सलाह से। अगर मरीज को लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए भी दी जाती है एंटीबायोटिक्स। और साथ में अगर मरीज को कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि बीमारी ज़्यादा हो या डॉक्टर को लगता है कि इसमें एंटीवायरल मेडिसिन की ज़रूरत है तो एंटीवायरल मेडिसिन भी अवेलेबल है जो कि फ्लू में दी जाती है। और कुछ मरीज जिनको इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे फ्लू में कॉम्प्लिकेशन होती है ज़्यादा करके वायरल निमोनिया हो जाता है कुछ लोगों को, जिसमें मरीज को फेफड़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और मरीज के सांस फूलने लगते हैं, ऐसी अवस्था आने पर मरीज को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सहायता भी लें। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उनका ख्याल जरूर रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। ये बहुत ही आम धारणा है कि शरीर में इतनी गर्मी मौजूद होती है कि वो पानी तक उबाल सकता है। कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि आपके शरीर में इतनी हीट यानी गर्मी निकलती है कि आधे घंटे के अंदर 1.8 लीटर पानी बॉयल हो सकता है। आपके शरीर का एवरेज तापमान होता है 98.6। तो ये कैसे मुमकिन है? अब इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले से पता चला कि आपका शरीर बना हुआ है सेल्स से। देखिए ये तो पुरानी खबर है, पता ये चला कि इन सेल्स में होते हैं केमिकल रिएक्शन, खासतौर पर वो सेल्स जो आपके लिवर में होते हैं। अब इन केमिकल रिएक्शन के कारण शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। अब इतनी गर्मी आपके शरीर के किसी काम की तो है नहीं, तो ज़्यादातर हीट जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। अब ये सब सुनने में तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सा लगता है, पर क्या ये सब वाकई सच है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर्स से, पता चला ये सब बकवास है, एक मिथक है जिसे लोग सच मान बैठते हैं। देखिए पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, आपके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपको थर्मामीटर पर दिखता है। अब अगर किसी के शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है, क्योंकि 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में ब्रेन काम करना बंद कर देता है। कुल मिलाकर ये जो आम धारणा है वो एक मिथक है, समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। कई लोग फ्रोजन फूड घर पर स्टोर करके रखते हैं। देखिए एक तो खराब नहीं होता, दूसरा लंबे समय तक चल सकता है। आपने भी अपने घर पर देखा होगा मटर को फ्रीजर में पैक करके रख दिया जाता है, फिर वो मटर साल भर खाया जाता है। पर क्या फ्रोजन फूड खाना आपकी सेहत के लिए सही है? जवाब है हाँ। देखिए आमतौर पर फ्रोजन फूड में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स कहीं भी गायब नहीं होते हैं, साथ ही उस खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की क्वालिटी पर भी असर नहीं पड़ता। कई बार तो फ्रोजन फूड में फ्रेश फूड से ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, क्योंकि अगर फ्रेश सब्जियों को लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उनका जो पोषण होता है वो छूमंतर होने लगता है। फ्रीज करने से उनके अंदर जो मौजूद पोषण है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बचे रहते हैं, इसलिए ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। एक ज़रूरी बात, ठंड में होने वाली आपकी सारी परेशानियों का हल जानिए सेहत के विंटर स्पेशल सीरीज में 18 दिसंबर तक रोज़। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।